हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के स्मॉल कैप तथा हाई रिस्क स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें ताकि इस स्टॉक की कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाओ इन्वेस्ट में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ पर एक बार मार्केट मूड इंडेक्स भी दे सकते हैं। अभी फेयर के जोन में ही है, तो ज़्यादा झुकाव इसी जोन में है। आप देख सकते हैं मार्केट में गिरावट आ सकती है, तो उस दौरान आप अलर्ट रहें खरीदारी के लिए। और एक्सट्रीमली फेयर के जोन में जब भी इंटर करें, जब मार्केट में बिल्कुल डर हो, उस टाइम ही आप स्टडी किए हुए इस शेयरों के बारे में विचार कर खरीदारी कर सकते हैं। ये स्टॉक है दोस्तों मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करती है। 266 रुपये अभी रेट चल रहा है इसका। ये रेट इतना डाउन क्यों है दोस्तों, कम क्यों है? क्योंकि इसने स्प्लिट और बोनस दोनों प्रोवाइड किया है, वो डिटेल हम आगे चेक करेंगे। तो पिछले 5 दिनों का देख सकते हैं 1 से 2% के करीब रिटर्न जनरेट किया है। पिछले 1 मंथ का देख सकते हैं 4% के करीब रिटर्न जनरेट किया है। और पिछले 6 माह में देख सकते हैं 74% के करीब रिटर्न जनरेट किया है। और पिछले 1 साल का देख सकते हैं पास्ट 1 ईयर से कितना है, 210%, यानी 1 साल में ही आपके पैसे को डबल कर चुकी है कंपनी। और वहीं पिछले 5 साल के चार्ट को देख सकते हैं यहाँ पे 879%, यानी पैसे आपको 8 गुना कर चुकी है पिछले 5 सालों में ही। मैक्सिमम चार्ट जरूर देखें दोस्तों, जब भी स्टॉक का स्टडी करें तो आप मैक्सिमम चार्ट जरूर देखें, वो ग्रीन में हो तभी आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम में कितना 411% का जनरेट किया है। क्योंकि लिस्टिंग के बाद से यहाँ 50% 60% कंटिन्यू गिरावट भी दर्ज किया है कंपनी यहाँ से चलना शुरू की है। तो हम पिछले 5 साल के चार्ट का ही एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अभी 19-20 में ही कितना 50% का गिरावट दर्ज किया है कंपनी ने। चूंकि स्मॉल कैप की कंपनी है तो इतना गिरावट दर्ज करेगी, और उसी हिसाब से आप 5 SIP आप अपना बनाकर चल सकते हैं। 4 SIP 40%, इस तरह से हर 10% की गिरावट पर 1-1 बार SIP के माध्यम से आप खरीदारी कर सकते हैं, और उस तरह से आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कंपाउंड वे में खरीदारी कर सकते हैं। और इस गिरावट के बाद से देख सकते हैं जो भी यहाँ पे खरीदारी किया होगा उसका रिटर्न कितना बनाया कंपनी ने, 9 गुना बनाया है। कंपनी में मजबूती इसीलिए दिख रही है क्योंकि 50 से 60% गिरावट और उसके बाद 900% का रिटर्न, तो मजबूत अगर नहीं होती, इसके फंडामेंटल मजबूत नहीं होते, तो यहाँ पर 900% का रिटर्न जनरेट करना संभव नहीं होता। तो इस वजह से मजबूती तो दिख रही है कि गिरावट के बाद से कितना बेहतर जंप लिया है। यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, उस गिरावट में खरीदारी करने के बाद जो इतने लंबे समय तक होल्डिंग किया है, यानी कि 4 साल की होल्डिंग 2020 से 2024, कितना 1900% का रिटर्न लगभग बना के दिया है कंपनी ने, यानी आपके पैसे को 19 गुना किया है। और यहाँ पे जो निकले होंगे उनको कितना 8 गुना का रिटर्न मिला हुआ है, जबकि पूरी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो होल्डिंग हुई है उसमें कितना 800% का रिटर्न जनरेट किया है कंपनी ने। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 800% और ये पूरे 5 साल का भी 800% जनरेट किया है, जबकि ये लंबी होल्डिंग यहाँ से यहाँ तक इस गिरावट में रही है वो 19 गुना किया है पैसे को। तो ये सब सीखने वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों, स्टडी करने वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ गिरावट भी देख सकते हैं आप, यहाँ अधिकतम जब लगाया इसने 800 का यहाँ से टच किया, 800 का रिटर्न देने के बाद फिर कंपनी ने 40% की गिरावट दर्ज किया है। ये 22 से 23 के सिनारियों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गिरावट जब दर्ज हुई है कंपनी में। तो 40% का मतलब या तो आप 50% मान के चले, 40% मान के चले, और उस समय आपको 4 SIP के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट करना होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब भी आप वैल्यूएशन एक्चुअल मिले तो आप बल्क बाइंग भी कर सकते हैं, बट गिरावट जब स्टार्ट हो, जैसे 10% की गिरावट आ गई, तो आप 1 SIP लगा सकते हैं। मतलब कि जो भी आपकी क्वांटिटी उठानी है ना, 10-20 शेयर, इस तरह से क्वांटिटी आप उठा सकते हैं। फर्दर अगर गिरावट दर्ज करती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको तो नेक्स्ट SIP 20% पे करना ही है। अगर वहाँ से गिरावट नहीं करती, आगे मूव करती है, तो वेट करिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमेशा इस अमाउंट के नीचे ही आपको मिले तो बाइंग करें, है ना। तो वो आपको लेवल डिसाइड करने पड़ेंगे। अभी जो 50 दिन का DMA और 200 दिन के DMA के एवरेज के हिसाब से हम सपोर्ट लेवल पे भी डिस्कस करेंगे, उस हिसाब से आप अपना विचार बना सकते हैं इसमें। यहाँ भी देख सकते हैं 40% जब गिरावट दर्ज किया कंपनी ने, तो वहाँ से जब मूव लिया तो कितना 200% के करीब रिटर्न जनरेट किया है, यानी यहाँ से भी पैसे को डबल कर चुकी है। तो कंपनी इस हिसाब से, चार्ट के हिसाब से तो बेहतर है, बट वही है कि खरीदारी आप बिल्कुल गिरावट में करें। जब भी हाई लगा रही हो उस टाइम आप अवॉइड करें उसको। फर्दर डिटेल चेक करते हैं हम इसमें। तो यहाँ अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है वो क्या करती है, इंटीग्रेटेड EPC इंजीनियरिंग करती है, प्रोक्योरमेंट भी करती है और कंस्ट्रक्शन भी करती है। कंपनी विथ एक्सपीरियंस एंड एग्जीक्यूटिव कैपेबिलिटीज इन पोर्ट, रेजिडेंशियल भी बनाती है, कमर्शियल भी बनाती है, इंडस्ट्रियल भी है, है ना, और रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह उस सेगमेंट में भी काम करती है। मार्केट कैप देख सकते हैं 8381 करोड़ का है, करंट प्राइज है 226 का, और हाई इसने लगाया है 231 का और लो लगाया है 66 रुपये का। तो अभी देख सकते हैं बिल्कुल हाई के आसपास चल रही है, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें फर्दर स्टडी के लिए। स्टॉक का पी देख सकते हैं 26.7 है, बुक वैल्यू 32.08 रुपये है, डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 0.48% के करीब है, ROC देख सकते हैं 32% है, और ROE 26.4% के करीब है।
फेस वैल्यू यहाँ दो देख रहे हैं, तो फेस वैल्यू दो है तो फर्दर आपको एक स्प्लिट का और फायदा इसमें मिलेगा जब भी कंपनी फेस वैल्यू को दो के बजाय एक करेगी। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं 50 दिन के डीएमए और 200 दिन के डीएमए को एक साल के चार्ट में यहाँ पे कितना अच्छा वैल्यूएशन तक खरीदारी है, तो यहाँ भी दे सकते हैं आप एवरेजिंग के लिए। तो जब 200 दिन के जो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है इसके नीचे आती है तो बल्क बाइंग कर सकते हैं, और जो 50 दिन के डीएमए है उसमें आप एवरेज कर सकते हैं, मौका मिलता है तो वेल एंड गुड है। अभी तो काफ़ी दूरी इसमें चल रही है तो उस चीज़ पर आप ध्यान रखें। क्लोज देख सकते हैं कंपनी रिड्यूस डेप्ट, डेप्ट को कम कर रही है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, कितना 31.2% CAGR पिछले 5 सालों से जनरेट कर रही है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट 34.7%, और कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है, तो वो भी बेहतर साइन है। या कॉन्स में देख सकते हैं, कॉन्स में अभी कुछ भी नहीं है। पीयर कंपनियों में देख सकते हैं मैक्रोटेक है वो सबसे टॉप पे है, रेल विकास निगम दूसरे नंबर पे है, और 7वें नंबर पे अभी है मैन इंफ्रा। यहाँ चूंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है इस वजह से इस नंबर पे है। यहाँ प्रॉफिट लॉस में एनुअली सेल्स देख सकते हैं कितना कर रही है कंपनी, तो मार्च 2020 में 200 का कर रही थी जिसको इंक्रीज करके 23 में 1890 करोड़ और फिर 1862 करोड़ के करीब ले गई है। तो यहाँ से लगभग लगभग 9 गुना इंक्रीज किया है कंपनी ने 2020 से 2023 मार्च तक। यहाँ नेट प्रॉफिट का डिटेल देख सकते हैं, माइनस में 12 करोड़ जनरेट कर रही थी 2020 में और जिसको इंक्रीज करके अभी 289 करोड़ और 334 करोड़ के करीब अपना नेट प्रॉफिट ले गई है, तो बहुत बेहतर यहाँ प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड बोरिंग दोनों चेक कर सकते हैं। रिजर्व में देख सकते हैं 625 करोड़ का रिजर्व कंपनी होल्ड कर रही थी 2021 में, फर्दर इसको इंक्रीज करके 1000 करोड़ और यहाँ पे 1100 करोड़ के करीब अपना रिजर्व ले गई है, ये तो बेहतर साइन है दोस्तों। बोरिंग देख सकते हैं यहाँ पे 493 करोड़ का था, उसको धीरे धीरे कंपनी ने कम किया है, 217 करोड़ के करीब है एट प्रेजेंट। बोरिंग में भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बोरिंग में क्या क्या है। बोरिंग में देख सकते हैं यहाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना बहुत कम कर लिया है कंपनी ने, 73 करोड़ के करीब है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग में कोई इशू नहीं होता है दोस्तों, ये छोटे समय में ही कंप्लीट कर देती है कंपनी, बट लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को, तो उससे उसके प्रॉफिट पर असर पड़ता है। फर्दर डिटेल देखते हैं यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं, प्रमोटर है, FII है, DII है, पब्लिक है। प्रमोटर के पास शुरू में देख सकते हैं 62% के करीब होल्डिंग था 2017 में, उसको इंक्रीज करके 63 और फिर 64 फिर 64 फिर इस तरह से इंक्रीज करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर ने अपना होल्डिंग कैसे इंक्रीज किया है। 2021 में 65 करोड़ के 64 से 65 हो गई, फिर 66 फिर 67, तो कैसे कैसे धीरे धीरे अपना प्रमोटर अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं। FII में देख सकते हैं एट प्रेजेंट 3.5% के करीब है, DII में देख सकते हैं 2.09% के करीब एट प्रेजेंट है, और पब्लिक में भी देख सकते हैं यहाँ पे 27% के करीब होल्डिंग है। तो पब्लिक ने अपना डिक्रीज किया है और प्रमोटर ने अपना इंक्रीज किया है, FIDI ने भी अपना इंक्रीज किया है होल्डिंग, तो इस हिसाब से बेहतर साइन बन रहा है इसमें। सो ऐसे और भी वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और वीडियो पसंद आने से एक लाइक कर मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो फर्दर डिटेल देखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप जितना सीखेंगे उतना अपने रिस्क को आप कम करते जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं 50+ सालों का इसको एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, और यहाँ देख 50+ प्रोजेक्ट है, 10+ ईयर का रियल इस्टेट में डेवलपमेंट में इसका एक्सपीरियंस है, 2500 के करीब हैप्पी फैमिली करके रेजिडेंशियल इसने बनाया है, 240 देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ सर्विस में देख सकते हैं कंपनी क्या करती है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाती है, और यहाँ पे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी करती है जिसमें इस तरह से हाई राइज बिल्डिंग टाउनशिप करके है और लग्जरी विला वगैरह बनाती है। कमर्शियल यहाँ देख सकते हैं कमर्शियल इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्शन वगैरह करती है, IT पार्क वगैरह बनाई है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल ये सब भी बनाती है। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन भी करती है जैसे कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो गया, वेयर हाउस फैसिलिटी वगैरह हो गया, हैवी इंजीनियरिंग करके है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह बनाती है, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पे, लैंडस्केपिंग, वेडिंग, इस तरह से बहुत सारे इसके सर्विस हैं। यहाँ पे क्लाइंट्स डिटेल भी देख सकते हैं कंपनी किसके लिए काम करती है, कौन कौन से इसके क्लाइंट्स हैं। बीकॉम स्पेशलिस्ट आवर क्लाइंट्स इंक्लूडिंग कौन कौन से, अडानी है, एयरटेल है, तो ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे ACME ग्रुप है, सेंचुरी प्लाई करके है, और इस तरह से DP वर्ल्ड है, इस तरह से बहुत बेहतर बेहतर क्लाइंट है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। गोदरेज का भी है, यहाँ पे देख सकते हैं गेटवे टर्मिनल ऑफ इंडिया करके है, जिंदल स्टीलवे है, यहाँ पे देख सकते हैं JSL करके है, कोहिनूर है, जितने इस तरह के बिल्डिंग वगैरह होटल वगैरह बनाए जाते हैं सारे इसके थ्रू ये क्लाइंट हैं इनके, ये आप देख सकते हैं, तो बहुत बेहतर बेहतर क्लाइंट है दोस्तों। आप फर्दर इसमें देख सकते हैं आगे।
ये सारे इसके क्लाइंट बेस हैं, PWD करके है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राज इंडस्ट्री वगैरह है, बहुत बेहतर बेहतर क्लाइंट है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा भी है, और इस तरह से बहुत ग्रुप वगैरह है, विराज करके है, तो ये बहुत बेहतर बेहतर क्लाइंट है दोस्तों। और यहाँ पे अपना ये टेस्टिमोनी देख सकते हैं, टेस्टिमोनी शेयर करती है, टाटा वगैरह शेयर किया इन्होंने, तो क्लाइंट बेस तो बहुत मजबूत है दोस्तों, और इसको इस हिसाब से इसका बिजनेस ग्रो हो रहा है। फर्दर डिटेल भी हम चेक करते हैं इसके, यहाँ पे कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट क्या क्या इसका रहा है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से 51% का रेवेन्यू जनरेट किया है इसने, जिसमें आप देख सकते हैं इसने कंप्लीट किया 200 हेक्टेयर के करीब पोर्ट और इंफ्रा डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन है ना, 110 हेक्टेयर में ये ऑनगोइंग पोर्ट अभी चल रहा है, इंफ्रा प्रोजेक्ट वगैरह इस तरह से, जिसमें आप देख सकते हैं ऑनगोइंग में क्या क्या रेजिडेंशियल गवर्नमेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट वगैरह है, रियल इस्टेट डेवलपमेंट से 49% के करीब रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जिसमें लगभग लगभग 13 प्रोजेक्ट और इसमें 6000+ करोड़ के करीब टोटल सेल्स है लास्ट 10 ईयर में, तो बहुत अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। 6000 करोड़ जबकि 8000 करोड़ के करीब तो कंपनी की पूरी वैल्यूएशन ही है। यहाँ पे ऑर्डर बुक देख सकते हैं ईपीएस कौन सा, मार्च 23 तक ऑर्डर बुक इसका जो है 980+ करोड़ के करीब ऑर्डर बुक था, इंफ्रा एंड गवर्नमेंट से 83%, रेजिडेंशियल कमर्शियल से 17%। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईपीसी बिजनेस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या क्या चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, वर्क कंप्रेसिंग गवर्नमेंट रेजिडेंशियल जो बनाया जा रहा है क्वार्टर वगैरह गवर्नमेंट के है ना, यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे के भी हैं, इस तरह से रेजिडेंशियल वर्क भी करती है, जिसमें आराध्या हाई पार्क फेज 1 ये बना रही है, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल वर्क। तो चूंकि दोस्तों जब ग्रोथ होता है, जैसे अपने प्यारा भारत का ग्रोथ होगा है ना, तो उसमें हर एक फील्ड में ग्रोथ होगा, आपका कंस्ट्रक्शन तो मेनली ही है, रोड हाईवे है ना, बिल्डिंग्स, कुछ ईपीसी कस्टमर्स वगैरह भी है, आप देख सकते हैं क्लाइंट कंपनी इंक्लूड अदानी, PSA, एयरटेल, फैमिली इन मिल्टन, ए फ्यू मोर, और रियल इस्टेट वगैरह में भी ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ एक बार डिलीवरी पोजिशन भी देख सकते हैं, 18 जनवरी को 43% था, 19 जनवरी को 60%, 20 जनवरी को 61% और 23 जनवरी को 1% के करीब डिलीवरी उठाई गई है, 24 जनवरी को 46% के करीब और 25 जनवरी को देख सकते हैं 55% के करीब डिलीवरी उठाई जा रही है। यहाँ देख सकते हैं 27 सितंबर 2023 को मैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गेट्स नेसेसरी अप्रूवल इट्स लग्जरियस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, तो मुंबई में बना रही है और ये 4 लाख स्क्वायर फीट में है, जिसमें 1200 करोड़ के करीब रेवेन्यू पोटेंशियल है, इस तरह से बेहतर कर रही है और इसको आप अपने स्टडी में शामिल करें। यहाँ पे एक बार सेक्टर देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में है, इंडस्ट्री कौन सा, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के में इंडस्ट्री में काम करती है ये। यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग प्लीज्ड नहीं है कोई भी शेयर, तो ये भी बेहतर साइन है। यहाँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी देख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल, इस तरह से ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 23 जनवरी को परचेज किया गया 25,000 करीब शेयर, यहाँ पे इनका भी देख सकते हैं 23 जनवरी को ये सारी खरीदारी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आयुष मनीष साह करके हैं, अशोक मनहारलाल मेहता करके हैं, तो देख सकते हैं आप 23 जनवरी को कितनी अच्छी बाइंग हुई है यहाँ पे। यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन देख सकते हैं, बोनस कंपनी ने प्रोवाइड किया है 17 नवंबर 2021 को 2 के बदले 1 बोनस प्रोवाइड किया है, मतलब आपके पास 2 शेयर रहे होंगे तो 1 कंपनी ने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट का डिटेल देख सकते हैं, 28 अगस्त 2014 को फेस वैल्यू को 10 के बजाय 2 किया है कंपनी ने, जिनके पास भी 10 शेयर रहे होंगे उनको 50 शेयर हो गए होंगे उनके पास। डिविडेंड का भी डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे 2021 में 90 पैसे का, 2021 में 1.26 रुपये, इस तरह से 2022 में 90 पैसे का, और फिर 2023 में 36 पैसे का, और 2023 में ही फिर 36 पैसे का, फिर नवंबर 2023 में 36 पैसे का। तो डिविडेंड छोटा अमाउंट में प्रोवाइड कर रही है कंपनी, बट ये है कि माइनर सा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेवल डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये है दोस्तों कि आप सुने सबकी, करें अपनी अच्छे से स्टडी करें, जब तक वो बिजनेस समझ में ना आ जाए, बिजनेस में आप पैसा लगाइए न कि स्टॉक में। आप बिजनेस में जब बिजनेस को अच्छे तरह से समझ लें कि वो ग्रो होगा, क्या रीजन है ग्रो होने का और क्यों बेहतर कर रही है, क्लाइंट बेस कैसे हैं, प्रॉफिट लॉस कैसा है, सेल्स कैसा कर रही है, देन जाकर के डिसाइड करें, और तब भी खरीदारी तभी पे बिल्कुल खरीदारी ना करें जब वो एक अपना गिरावट दर्ज करे 10% 20%, गिरावट तो बिल्कुल होनी ही है दोस्तों, जब गिरावट दर्ज हो तभी जाकर के आप बिल्कुल खरीदारी है तो विचार बनाएं, ऐसा ना करें कि फोमो क्रिएट करें, आज 200 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया तो मैं तो खरीद नहीं पाऊंगा है ना, क्योंकि आप हाई में फंसेंगे, फिर जब वो डाउन लगाएगी तो आपको बिल्कुल लॉस होगा, और वो लॉस आप बियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर आप एवरेज भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से जैसे ही 10% 15% की गिरावट कंपनी दे, आप बिल्कुल अलर्ट रहें और उस टाइम अपना फर्स्ट SIP सेकेंड SIP इस तरह से आप करें। एक बार हम सपोर्ट लेवल पर डिस्कस कर लेते हैं, तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल 201 का जनरेट हो रहा है, फर्दर कंपनी में गिरावट दर्ज होती है तो 289 का, और फर्दर गिरावट दर्ज करती है तो 152 का सपोर्ट लेवल जनरेट हो रहा है,
फर्दर कंपनी में गिरावट आती है तो 141 का सपोर्ट लेवल जनरेट हो रहा है। तो वीडियो मात्र लर्निंग पर्पज के लिए बनाई जा रही है, इसे किसी भी तरह से खरीदारी और रिकमेंडेशन ना समझें। खरीदारी से पूर्व आप अपनी स्टडी करें, वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। जितना स्टडी करेंगे उतना ही बेहतर आप फायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्टॉक या इन्वेस्ट की जानकारी के साथ। सो थैंक यू दोस्तों।